हेलो फ्रेंड, अखिल पांडे शो 2.9 में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले रनवे, एक अपकमिंग मूवी रनवे 34, उसका टीजर आया था। मैंने हमने उस पर रिएक्शन नहीं दिया था, बट मैंने वो टीजर देखा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट पे था, समथिंग रिलेटेड टू फ्लाइट लैंडिंग, फ्लाइट क्रैशिंग, वैसा वाला कुछ था। एंड रियल इंसिडेंट पे ये मूवी बेस्ड है, जो दुबई कोची वाला कुछ फ्लाइट्स है, दो फ्लाइट्स, उनसे रिलेटेड है कुछ स्टोरी, इंस्पायर्ड आई गेस। तो दोस्तों, इसमें हमको अजय देवगन के अलावा अमिताभ बच्चन भी देखने मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, दो दिग्गज कलाकार एक साथ हमको देखने मिलेंगे। एंड थ्रिलर है मुझे लग रहा है ऐसा। तो दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हैं, रनवे 34 का जो ट्रेलर आया हुआ है ये देखते और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। नो स्मोकिंग है, जलाया तो नहीं ना। Request for clearance. कंपनी को सिर्फ दो चीजों से फर्क पड़ता है, आर यू सेफ, आर यू लीगल। ये आदमी मुसीबत में छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। क्या ये पायलट फिर से यहाँ लैंडिंग अटेम्प्ट करना चाहता है? ओलजी करने के बाद सिर्फ तीन चीजें कर सकते हैं, गलती को मानना, गलती से सीखना और दोबारा उस गलती को न करना। एस्टिमेट करने की गलती मत करना। डिलीवरी बॉय का काम होता है सामान डिलीवर करना, और एक बार सामान डिलीवर हो गया तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये पैसेंजर उतर गया तो हो गया। अगेंस्ट द रूल्स, और आप द रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं। पानी को ऐसे छेड़ो कि मछलियां घबरा जाए। अपने शब्द और समय को बहुत ही सोच समझ कर खर्चेगा। कभी उस जगह मत जाना जहाँ तुम्हारी सोच तुमसे पहले पहुंच जाए। मैं चीजें कभी भूलता नहीं। आई हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी। आपके शब्द आपके एक्शन से मिलने का है, और आपके एक्शन आपके शब्दों के साथ मिलने का है। खुद पर यकीन नहीं करोगे ना तो दुनिया में कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सर, क्योंकि उनकी आंखें भी तुम्हारे अंकल एविएशन मिनिस्टर है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? इस बार हथियारों कौन था? कुछ दिन ऐसे होते हैं वेन आई लव माय, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। हर हादसे के दो पहलू होते हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ। इस क्या और कैसे के बीच में जो दायरा है, सच वहीं छुपा होता है। गलतियां सबसे होती हैं कैप्टन, मुझसे भी होती हैं, लेकिन गलतियों को ना मानना आपका कैरेक्टर दर्शाता है। और डायरेक्टेड बाय अजय देवगन, ये एक नया है। ये सरप्राइज था, ये तो ईद अभी आ जाएगा। ये लास्ट में तो सरप्राइज था। अरे पूरा थ्रिलर भी था एक्चुअली, पूरा पहले ऐसा लगा कि हम जो सोच रहे थे बस फ्लाइट ऊपर में दिखाया, एरियल ही दिखाया यार, पूरा शूटिंग मैक्सिमम रहेगा और बचाने नहीं बचाने क्या हुआ, बट अब तो वो बहुत सारा थ्रिलर लग रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसा केस पहले हो चुका है, एंड इसमें अमिताभ बच्चन भी वैसा केस उनके साथ लड़के मुझे लग रहा है अजय देवगन बच चुके हैं, यानी फिर से सेकेंड टाइम फिर से फंसे हैं, कुछ हुआ है उसमें। इवन बोमन ईरानी का कुछ थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, एंड इसमें फिर वो आईसाइट का भी कुछ हो रहा था चेकिंग, क्योंकि उनका भी बोली और फिर रुक गई,
माने शायद रकुल का भी आइस का कुछ प्रॉब्लम है और शायद अजय देवगन का भी क्या ट्रैप भी हो सकता है ना, हो उसका कुछ हुआ होगा उस समय क्या पता, प्लस इसका कुछ अलग है प्रॉब्लम शायद। करेक्ट करेक्ट, माने ऐसा भी दिखाया है कि जो शायद हो सकता है फर्स्ट जो भी क्रैश होगा उसमें अजय देवगन इन्वॉल्व थे, शायद वो लाइक मर गया, बोला निकल गए होंगे जो, लेकिन पैसेंजर्स मर गए होंगे एंड सेकेंड टाइम में बच गए हैं, लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ऐसा। तो दोस्तों बहुत मजा आया, इंटरेस्टिंग था, होप आपको भी अच्छा लगे। हम अगले वीडियो में देखेंगे और क्या कुछ आता है इस पर बात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।